गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब। मैं आपको कंप्यूटर की बुक से आज पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 पर जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ाऊंगी। पहला टॉपिक आता है विंडो मी। विंडो मी विंडोज 98 का अपग्रेड वर्जन होता है जिसको विंडोज मिलेनियम एडिशन कहते हैं। यह विंडोज मी के नाम से भी जाना जाता है या इसको विंडोज मी भी कहते हैं। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें फीचर्स को होम यूजर के लिए स्पेशल रूप से एक विशिष्ट रूप से डिजाइन किया जाता है। सेकंड टॉपिक है विंडोज एक्सपी। विंडोज एक्सपी विंडोज मी का सक्सेसर रूप होता है। विंडोज एक्सपी आज के डिजिटल एज में आपकी फिंगर टिप्स पर मतलब उंगलियों पर एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस को रख देता है। मतलब विंडोज एक्सपी की सहायता से आप आज के डिजिटल युग में कोई भी एक्साइटिंग वर्क कर सकते हैं। इसके दो वर्जन होते हैं, विंडोज एक्सपी विंडोज होम और विंडोज होम एडिशन और प्रोफेशनल। मतलब विंडोज एक्सपी के ये दोनों वर्जन होते हैं। विंडोज विस्टा जो होता है ये विंडो एक्सपी का सक्सेसर रूप है। विंडोज विस्टा में 5 एडिशंस होते हैं, विंडोज विस्टा होम बेसिक और होम प्रीमियम, विंडोज विस्टा अल्टीमेट, विंडोज विस्टा बिजनेस एंड विंडोज विस्टा एंटरप्राइज। विंडोज सेवन जो है वो विंडोज विस्टा का सक्सेसर रूप होता है। यह इसका बेस जो होता है ये GUI जिसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, ये इसका ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर बेस होता है जिसमें पिक्चर्स इमेजेस आइकन्स होते हैं और मेनूज का हम यूज करते हैं। जो भी मेनूज होता है उस पर हम कमांड्स देकर उसका यूज करते हैं और ये कमांड्स होती हैं वो ऑपरेटेड की जाती हैं माउस की सहायता से और इसमें कीबोर्ड का यूज नहीं होता है। मतलब इसमें हम जो भी कमांड्स देते हैं वो कीबोर्ड की अपेक्षा हम माउस की हेल्प से करते हैं। विंडोज 8 जो है वो नेक्स्ट वर्जन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसमें जो भी नए यूजर होते हैं ये उसके लिए इंटरफेस होता है जिसको मेट्रो UI बोलते हैं। यह इंटरफेस जो होता है इसमें स्टार्ट मेनू की जगह ये रिप्लेस कर दिया गया है न्यू स्टार्ट स्क्रीन से। मतलब पहले जब विंडोज 7 हम चलाते थे तब उसमें स्टार्ट मेनू आता था, अब इसमें क्या आएगा विंडोज 8 में न्यू स्टार्ट स्क्रीन जिसमें टाइल्स होती हैं। शॉर्टकट रूप होता है इसमें टाइल्स का जो जिससे हम जो भी एप्लीकेशंस होते हैं वो इसमें दिखाई देते हैं और विंडोज 8 जो होता है वो टैबलेट पीसी पर अवेलेबल होता है।
होमवर्क करना है, क्वेश्चन सी, एक्सप्लेन ऑपरेटिंग सिस्टम विद इट्स मेजर फंक्शंस, जिसका आंसर टॉपिक आपको पेज नंबर 6 पर ऑपरेटिंग सिस्टम बुक में यहां से लिया है। ये टॉपिक मैं आपको समझा चुकी हूं, ये आपका यहां तक इसमें से लिया है, और उसके बाद पेज नंबर 7 पर यहां से ये लिया गया है जो इसके फंक्शंस हैं, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, कंट्रोल हार्डवेयर, रन सॉफ्टवेयर और एसेसिंग द वेब, ये आपके टॉपिक हैं। यही आप क्वेश्चन यहां से आप लिखेंगे। ये थोड़ा शॉर्ट कर दिया है मैंने आपका पैराग्राफ, जिससे आपको लर्न करने में आसानी रहे, और ये आप पूरा ये आप यहां से यहां तक लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉन्ग में ही, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पेज नंबर 8 मैंने आपको अभी समझाया था, यहां से ये टॉपिक लिया गया है, जिसमें एमएस डॉस, और ये पूरा टॉपिक आपको 8 से लेकर पेज नंबर 9 पर यहां से ये मैंने आपको अभी समझाया है, विंडोज 8 तक ये भी समझाया है टॉपिक। इसी से ये क्वेश्चन आपका यहां इसका आंसर ये दिया हुआ है, ये देखिए इसको आपको होमवर्क में करना है। ओके बच्चों।